360 दे दिया आज इंट्रो में, बट हेलो व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम, स्वागतम आपका फिर एक और बार हमारी प्यारी दुलारी आर्क एसएमपी के अंदर। आज हम खेलने वाले हैं आर्क एसएमपी के अंदर और बनाने वाले हैं एक कंप्यूटर शॉप। तो गाइस हम आज खोलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, मतलब हमारी आर्क एसएमपी के अंदर कंप्यूटर शॉप। अब यार आप सोच रहे होगे कि भाई माइनक्राफ्ट में कब से कंप्यूटर ऐड कर दिया मॉन्जैक ने, तो भाई मैं बताने वाला हूँ कि आर्क एसएमपी में हमने इस सर्वर पे थोड़े बहुत मॉड डाले हैं, लाइक ये चेयर का, और यहाँ पे आप मेरे बेड के नीचे देख सकते हो ये पूरी वर्किंग टेबल है जिससे हम ये सारे चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं। और जैसा कि तुम देख सकते हो अभी सुहाना सा दिन हो रहा है, तो मैं भी अपनी जगह भी डिसाइड कर लेता हूँ। एंड भाई शाम होने आ गई यार, एनीवेज एंड इनसे मिलो, ये है मेरे पेट डॉग्स जो कि मैं वहाँ विलेज से लेके आया था। एंड मैंने लास्ट वाले उसमें एपिसोड के बाद मैंने यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे पता नहीं किसी ने तो आयरन फार्म बना रखा है, एंड ये आयरन फार्म काम भी नहीं करता है भाई, लावा ही हटा दिया। एंड ये भाई यहाँ पे कुछ है क्या? ओके ये तो मेरा स्टफ है, मैं भूल गया था। एंड यहाँ पे इन आयरन कॉलम्स को मारने के बाद हमारा काम तो आराम से हो जाता है आयरन का। और यहाँ पे मैंने कुछ विलेजर्स ट्रैप किए थे जो कि अभी सो रहे हैं, तो भाई तुम हट जाओ पहले मेरे को सोन दो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है एंड अभी मैंने तुमको मतलब पिछली रात बताया था कि कैसे मैंने, नहीं मैंने ये तो नहीं बताया था, बट हाँ चलो अब बताता हूँ मैं। तो भाई ये देखो ये वाले विलेजर्स जो तुम देख रहे हो ना, वो मैं लेके आया था वहाँ पे जो विलेज है वहाँ से, और फिर इनकी ब्रीडिंग करवा दी थी मैंने, तो फिर ये प्लेन बायोम्स वाले भी आ गए थे और इनको वर्क बेंच देखे मैंने, इनको थोड़ी बहुत इनसे ट्रेडिंग भी कर ली थी। और तुम एक बार लाइब्रेरियन को देखो, मैंने इसको मास्टर में डाल रखा है कि मेरे को नेम टैग चाहिए था जॉम्बी फार्म, मतलब आयरन फार्म के लिए। तो या यहाँ पे बस और तो कुछ भी नहीं है, इतना ही है। एंड भाई मैं तुमको एक और मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ, भाई ये देखो आ जा क्रीपर पहले फूट जा, भाई देखो अभी क्रीपर जैसे ही फूटा ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, मतलब 5 सेकंड में पूरी बिल्डिंग ही बिल्ड हो गई भाई। अब मतलब जहाँ पे भी अब क्रीपर वगैरह फूटेगा तो अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए तो और कोई चेंजेस नहीं है। और हाँ एक और चेंज हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये एक और नया घर आ चुका है जो कि एक सीक्रेट मेंबर का है, उनका नाम मैं नहीं ले सकता बिकॉज उन्होंने मना किया है। एंड मेरे को है ना लाइब्रेरियन को थोड़ा मास्टर करना था, तो मैंने यहाँ से थोड़ी बड़ी शुगर केन का फार्म भी बना दिया था और एक ऑटोमेटिक फार्म भी बनाया था, बट ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुम देख ही सकते हो यहाँ पे मेरे पास पावर ड्रेल नहीं है। और देखोगे तो तुमको यहाँ पे प्यारा सा नेदर पोर्टल दिखेगा जिसके अंदर हम जाएंगे तो हम निकलेंगे सोल सैंड बायोम के अंदर, जैसा कि तुम देख सकते हो। एंड भाई जैसा कि तुम देख सकते हो सोल सैंड बायोम है यहाँ पे, और ये बहुत डेंजरस बायोम है भाई। तो यार अभी हमारा नेदर में कुछ काम नहीं है, तो पहली फुर्सत से यहाँ से निकल लेते हैं। तो यार बैक टू ओवर वर्ल्ड। एंड और तो मैंने यहाँ पे कुछ भी किया नहीं है और यहाँ पे एसएमपी में इतना कुछ हुआ भी नहीं है, तो यार हम क्या करते हैं अब बनाते हैं। गाइस अभी मैंने देखो यार ये जो हमारे पिग्स है ना, इनको भी थोड़ा मतलब फूड के लिए मार दिया था, बट एनीवेज फिर से हम इनकी रीब्रीडिंग करवा देंगे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, एंड गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई हमारा एज इट इज चेस्ट वगैरह पड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे हमारे बैठने के लिए हमारे एक चेयर भी लगा रखी है जिसके अंदर मैं
बैठ क्यों नहीं पा रहा? अच्छा, हाथ खाली होना चाहिए भाई, पता नहीं क्या ये अजीब चीज है, बैठ क्यों नहीं पा रहा। भाई पता नहीं मैं इसके ऊपर बैठ क्यों नहीं पा रहा, बट एनीवेज इसको हम छोड़ेंगे। एंड मैंने अभी दो मॉनिटर भी बना रखे हैं जैसा कि तुम देख सकते हो, तो या एंड यहाँ पे नीचे की साइड हमको आपको स्टोन कटर देखने के लिए मिलेगा। और तो मतलब इतना कुछ खास नहीं है, एक बार स्टोन कटर देख लो भाई, एकदम बेड के नीचे रख रखा है मैंने। एंड एक सेकेंड भाई, ये टॉर्च को फिर से लगाओ। एंड जैसे ही तुम इस कारपेट को तोड़ोगे ना ब्लैक वाले, तो तुमको एक सीक्रेट रास्ता दिखेगा जो कि जाता है मेरी माइंड के लिए। तो मैं तुमको माइंड पे ले चलता हूँ। एंड भाई ये जॉम्बी, भाई ये जॉम्बी मेरा इंतजार कर रहा था यार। और ये आ चुके हैं हम -58 पे। एंड यहाँ पे अभी मैंने नॉर्मल सी डिगिंग कर रखी है जैसा कि तुम देख सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारा टफ है जो कि कुछ काम का नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी अलग सी ही कर रखी है मैंने। एंड अभी तक मेरे पास एक भी डायमंड नहीं आया है एज यू कैन सी इन माई इन्वेंट्री। और हाँ भाई, मेरे को अभी तक एडवांसमेंट भी नहीं मिली है उसकी, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया भाई, डायमंड की, जैसे कि तुम देख सकते हो डायमंड की। और भाई यहाँ पे कुछ और भी है एडवांसमेंट जो कि पता नहीं क्या है। एंड भाई यहाँ पे बहुत सारे अपग्रेड्स हुए हैं SMP के अंदर। तो यार फटाफट से पहले तो ऊपर जाते हैं माइंड शाफ्ट से ऊपर, एंड मतलब माइंड शाफ्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, माइंड से ऊपर चलते हैं फटाफट से। तो गाइस फाइनली हम ऊपर तो आ चुके हैं। एंड ये पता नहीं यार ये चेयर का क्या ही ग्लिच है भाई, ये मैं इसके ऊपर बैठ क्यों नहीं पा रहा, आई डोंट नो। बट भाई बैठा दे यार, मैं क्या बैठ गया? नहीं, ओके फाइनली यार मैं बैठ चुका हूँ, ये देखो यार बैठ गया हम, लेट्स गो भाई। बड़ी मुश्किल से बैठ गए। एंड सबसे पहले यार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को आयरन चाहिए, तो अभी हम थोड़ा आयरन कलेक्ट करके लाते हैं। खैर कलेक्ट क्या करना है हमको तो तुम समझ ही गए होगे, हमको उनको मार के कलेक्ट करना पड़ेगा आयरन गोलम्स को। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टोन वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा ग्लास और स्मेल्ट कर लेता हूँ। और मेरे को थोड़ा बहुत रेड स्टोन भी चाहिए जो कि मेरे पास 2012 पड़ा हुआ है, विच इज एनफ। एंड और मेरे को चाहिए एक ड्रॉर जो कि मैं ऑक ड्रॉर लेने वाला हूँ। एक सेकंड है, पहले मेरे को देखने दो मेरे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। यार मेरे को ट्रीज भी कट करके लाने ही पड़ेंगे। तो हम एक ओक ड्रॉअर बनाएंगे जिसके लिए हमको चाहिए 6 प्लैंक्स और एक ओक स्लैब। ओके भाई सो फार हमारी मार्किंग भी हो चुकी है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो फ्लोर बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा पॉलिश्ड। तो गाइस यहाँ की जो फ्लोर होने वाली है ना वो मैं बनाऊंगा पॉलिश ग्रेनाइट से। एंड भाई एक सेकेंड यार, ये जो बचा हुआ ग्रेनाइट है ना इसको भी मैं पॉलिश में कन्वर्ट करके आता हूँ स्टोन कटर के थ्रू। एंड फिर मैं तुमको उसके बाद मिलता हूँ। Thank you.
हमारी शॉप बन के तैयार है एंड ये रही हमारी प्यारी सी शॉप। वैसे कि इतनी भी खास तो नहीं दिख रही अभी फिलहाल के लिए। एंड एक सेकेंड यार, मेरे पास जो दो मॉनिटर थे ना, मैं एक बार वो लेके आता हूँ और फिर इनको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। फिर देखो भाई हमारी जो है ना, हमारी जो गाइस, मैं मॉनिटर्स भी ले आया अपने घर से यहाँ पे लगाने के लिए। तो एक तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे, एक रहेगी डिस्प्ले हमारे एक डिस्प्ले हमारे कस्टमर्स के लिए, और एक इसको ऑन कर देते हैं हम, और एक डिस्प्ले हम हमारे लिए भी रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम हमारा कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं, और ये चेस्ट है फॉर डीलिंग, तो या काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ये बॉक्स तो अपन को काम आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे हम इन फ्यूचर हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी बनाएंगे, लाइक ये कैमरा वगैरह भी। अभी मेरे पास आई ऑफ एंडर वगैरह नहीं है, तो या अभी तो नहीं बनाएंगे, बट इन फ्यूचर हम आयरन फार्म भी बनाएंगे। और क्या बना सकते हैं आप एक कमेंट में ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे एक बैनर भी लगाएंगे जो कि अगले एपिसोड तक तो आई थिंक सो आ ही जाना चाहिए। तो या आई होप ये वाला एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, इस बार मैंने एडिटिंग थोड़ी इम्प्रूव की है, मतलब थोड़ी भाई जान लाया है जान, तो बताना कैसी लगी। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड यार मेरे को इमोट वाला भी डालना चाहिए था यार, इमोट्स ही नहीं है।